प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पेपर वन का डिस्कशन देखा था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर टू की। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन है, एक कार्टून में एक निश्चित दवा की 5 लाख गोलियां हैं और प्रत्येक गोली का वजन 30 मिलीग्राम है। कार्टून में रूई के 1200 पैकेट भी हैं, प्रत्येक पैकेट का वजन 50 ग्राम। तो कार्टून में शामिल वस्तुओं की कुल वजन किलो में कितना? हमें यहाँ पे मिलीग्राम और ग्राम में दे रखा हुए, लेकिन हमसे आंसर में क्या पूछा है? किलोग्राम। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, मिलीग्राम या ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम। मेरी बात ध्यान समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम है, आप कहेंगे 1000 ग्राम। और एक ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो भी आप कहेंगे 1000 मिलीग्राम। यहां तक बातें क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि एक किलो ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कितना? 10 लाख। क्या लिखेंगे? 10 लाख मिली। क्या लिखेंगे? 10 लाख मिलीग्राम। मतलब एक किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आप बताएंगे 10। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, कह रहा कि एक निश्चित दवा की 5 लाख गोलियां, कितनी गोलियां? 5 लाख। ये 5 लाख गोलियां होती है। और कह रहा कि एक गोली का वजन 30 मिलीग्राम, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ये 6 हो गया। अब इतने मिलीग्राम आए, ये वजन हमें किसमें चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। किसमें चाहिए? किलोग्राम। तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 लाख से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 10 लाख से डिवाइड करेंगे। अब ये 6 जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ से आ गया कितना? 15 kg। यहाँ से वेट हमें क्या मिलेगा? 15 kg। फिर कार्टून में रूई के 1200 पैकेट, कार्टून में रूई के क्या है? 1200 पैकेट। अब यहाँ पर देखिए 1200 पैकेट और एक पैकेट का वजन कितना? 50 ग्राम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 × 25 = 60 और ये 3 0 हो। अब आपको पता है कि एक किलोग्राम में कितना? 1000 ग्राम। तो इसमें हम किलोग्राम में बदलना हो तो 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ से कैंसिल, यहाँ से हमें कितना मिला? 60 kg। 60 kg। तो कर कार्टून में शामिल वस्तुओं का कुल वजन, तो हमसे टोटल वजन पूछा है, तो हम इस 60 kg को और इस 15 kg को दोनों को क्या करें? ऐड कर देंगे। टोटल वेट कितना है? 75 kg। टोटल वेट कितना है? 75 kg। तो कार्टून में टोटल वजन कितना? 75 kg, 75 kg। बातें क्या है? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए। कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, कर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं? दूसरा, कर एक परिमेय संख्या -3/5 को 2 से गुणा करना संख्या रेखा पर मूल बिंदु 0 के बाईं ओर और 3/5 की 2 छलांग के समान है। तीसरा, कह रहा है कि p/q के रूप में कोई भी संख्या जहां p और q पूर्णांक से एक परिमेय संख्या होती है। चौथा, कह रहा है संख्या शून्य न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन परिमेय संख्या रेशनल नंबर पे बेस है, तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर देखते हैं। मैं आपसे पूछूं कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? तो
आर एक है ऐसा नंबर जो क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसमें लिखा जा सकता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और वो था इंटीजर। दोनों पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। मतलब अगर कोई संख्या रेशनल नंबर या परिमेय संख्या तो उसकी पहली शर्त है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और वो था इंटीजर। मतलब पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लिया अगर यहाँ पे वन है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मान लिया टू लिख दिया, लिख दिया। अब मैं कहूँ इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि इनके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या, इनफाइनाइट परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे जनरली कहूँ कि आप इनके बीच में नौ परिमेय संख्या, नौ रेशनल नंबर बताओ, तो आप कुछ मत कहिए। आप नौ से बड़ा नंबर क्या होता है? दस। दस से इसमें मल्टीप्लाई करके और दस से डिवाइड करके, यहाँ आप देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से डिवाइड कर दे, हो गए। अब यहाँ पे एक्चुअली ये वैल्यू आपको क्या मिले? 10 अपॉन के 10 मिले, और यहाँ पे मिले 20 अपॉन में, हो गए। अब यहाँ पे देखना 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब सबके नीचे आप क्या करते हैं? तो सबके नीचे आप क्या लगा? अब पांच में दस लगा देंगे। अब देखिए ये क्या, ये यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो वन आएगा, इसे सॉल्व करेंगे 1.1 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे 1.2 आएगा, इसका सॉल्व करेंगे 1.3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.4 आएगा। आप देखिए इससे छोटी है, इससे बड़ी है, तो आप इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकाले तो आप कहेंगे ना, इसी तरह किसी भी रेशनल नंबर के बीच में, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। बातें क्लियर? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ये बात तो एकदम सही है, इनफाइनाइट। कह रहा है परिमेय संख्या -3/5 को 2 से गुणा करना संख्या रेखा पर मूल बिंदु ब्रैकेट में 0 के बाईं ओर और 3/5 की दो छलांग लगाने के समान। कहने का सेंस यह कि अगर आप मान लीजिए कोई नंबर है उससे ये -3 और ये +3/5, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे लिखोगे -6/5 और इसे लिखोगे आप 6/5, हो गया। अब ये कह रहा है कि ये बीच में एक नंबर 0 इससे उतनी ही डिस्टेंस है जितनी इसकी, मतलब 0 से -6/5 उतनी ही डिस्टेंस पे होगा जितना 6 प्लस का 6/5, तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 0 से ये क्या बस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव डिस्टेंस तो सेम है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या -0.3 लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे 0.3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 0 से 0.3 डिस्टेंस पर माइनस की तरफ है, ये 0 से 0.3 डिस्टेंस प्लस की तरफ, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। कह रहा है तीसरा कि P और Q रूप की कोई भी संख्या जहां P और Q पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। बेटा ये बात ध्यान से समझना। कह रहा है कि कोई भी संख्या P अपान Q के रूप में हो और P और Q दोनों पूर्णांक हो परिमेय संख्या हो सकती है, तो क्या आप ये बता दीजिए मान लीजिए 0 भी तुम्हारा इंटीजर होता, मैं 3/0 लिखूं क्या ये परिमेय संख्या होगी? आप कहेंगे नहीं। क्यों? कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर होने के Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ पे Q तो 0 इक्वल, बात गलत है, यही बात हमारी क्या गलत है।
और कह रहा संख्या शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब जीरो क्या होता है, ना तो धनात्मक संख्या होती है ना तो ऋणात्मक संख्या होती है। अब जीरो अपॉन वन लिख के आप देखिए ये p बाई q के फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू जीरो। एक बार ध्यान रहे ये कभी नहीं कहता कि p नॉट इक्वल टू जीरो, ये वह हमेशा बोलता है q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब p जीरो हो सकता है। बातें क्लियर है, यही बात सही। तो गलत कौन सा, ऑप्शन सी। गलत कौन सा, ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था सक्सेसर आर 1099। अब देखिए सक्सेसर और प्रेडिसेसर में दोनों एक बात समझिएगा, अगर आपसे सक्सेसर की बात करें, किसके बात करें सक्सेसर की, तो आप जिस नंबर का सक्सेसर की बात करें उसमें हमेशा वन ऐड कर दीजिएगा। वन ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वह उस नंबर का सक्सेसर होगा। और प्रीडिसेसर की बात करें तो जिस नंबर का प्रीडिसेसर पूछे उसमें से वन माइनस कर दीजिएगा, वन माइनस कर। अब हमसे इसमें सक्सेसर पूछा है तो सक्सेसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में हमें वन को ऐड कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वन को ऐड कर देना। यहाँ पर देखिए जीरो, यहाँ से भी जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो ये वन, ये इसका हो जाएगा क्या सक्सेसर। लेकिन अगर आपसे इसका प्रेडिसेसर पूछ ले तब आप क्या करें, आप कुछ मत करिएगा, ये जो नंबर आपको सामने दिख रहा है ना इसमें से वन माइनस कर दीजिएगा। क्या करेंगे वन माइनस, तो ये एट हो जाएगा, ये नाइन हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, यहाँ नाइन, ये जीरो। अगर आपसे प्रेडिसेसर पूछे तो आपका ये ऑप्शन, सक्सेसर पूछे तो तो ये बात ध्यान रहे कि कभी अगर आपसे सक्सेसर मतलब उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो आप उसमें जिस नंबर्स के पूछे उसमें वन ऐड कर दीजिएगा, और उसका प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती संख्या पूछे उसमें से वन माइनस कर दीजिए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। कर बिना दोहराव अंक ए बी और सी का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली तीन संख्याओं के योग का एक गुणज है मेरे पास। अगर हमसे कह रहा है ए बी और सी तीन नंबर है, तीन अंक है, नंबर नहीं अंक है। अब इनका उपयोग करके हमें संख्या बनानी है, और कह रहा है उसमें अंक का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अंक का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं मान लीजिए अगर मैं कहूं ए को ये वन है, बी को मैंने टू कर लिया और थ्री। अब अगर मैं संख्या बनाऊं आप क्या लिख सकते हैं, वन टू थ्री, वन थ्री टू, आप लिखे टू वन थ्री, टू थ्री वन, और आप थ्री वन टू और थ्री टू, यही संख्या बना सकते हैं, ये संख्या आप बना सकते हैं। अब कह रहा है इनके सम को, अगर इनका सम किया जाए तीन दो पाँच, तीन आठ, एक नौ, दो ग्यारह, एक बारह, एक दो, ये बारह, एक तेरह, और ये बारह, मतलब कितना है वन थ्री थ्री। अब कह रहा है कि इनमें से इसका कौन कर तीन अंकों की संख्या के योग का एक गुणज है। अब यहां पर देखना मेरी बात समझना, अब इसका हम क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम सबसे पहले सिंपलीफाई करते हैं, इससे करें टू से, यहाँ पे जाएगा सिक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये भी सिक्स हो जाएगा, ये भी सिक्स हो जाएगा, फिर बेटा टू से कैंसिल करें ये क्या हो जाएगा थ्री थ्री, फिर अगर हम थ्री से कैंसिल करें तो आप क्या लिखेंगे वन वन वन, और फिर अगर थ्री से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री और ओके। अब इसको 37 से अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा 37 वन। अब 37 से सिंपलीफाई करने के बाद आगे हमें क्या वन, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखा वन थ्री थ्री टू। अब इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या लिखा टू इंटू थ्री
30। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी, ए बी और सी का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सभी तीन संख्याओं के संख्या का योग का एक योग एक गुणज। अब किसका गुणज है? अब अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे हमें एक ही नंबर दिख रहा है ना 37। तो जो ये नंबर है ये किसका गुणज है? तो आप कहेंगे 37 है तो गुणज है 2 का भी 3 का भी, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार चलना। तो ऑप्शन में हमें क्या है 37, मतलब ये जो नंबर है किसका गुणज है 37। बात है क्लियर? आगे करंट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसे देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसको इस पार्ट को सॉल्व करेंगे? तो आप देखिए क्या है 1/5 + 1/6, इसका बेटा एलसीएम लेंगे कितना होगा 35 को, यहाँ से कैंसिल करेंगे ये 7 बार में, यहाँ से कैंसिल करेंगे 5 बार, और ये कितना होगा 12/30 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई किसका 50 का, आप 50 से मल्टीप्लाई कर यहाँ से कैंसिल कर, यहाँ 5 + 8 = 50 और 5 + 7 = 50, आप लिखें 120/7, इतने की वैल्यू आ गई 120/7। अब नीचे क्या लिखा 1 - 2/7, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे लिखेंगे 5/7, क्या हुआ 5/7। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसके पूरे की बात करूँ तो हमें इतने की वैल्यू क्या मिलेगी, ऊपर मिली 120/7, नीचे डिवाइड कर तो हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 7/5, ये बेटा यहाँ से कैंसिल हो गया 5 कितनी बार 24 बार, और 7/7 मतलब इस पूरे की वैल्यू हमें क्या मिली 24। अब यहाँ पे 1/4 + कितना 24। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 × 96 = 97 का आंसर आंसर। बातें क्लियर? आगे चलो। अब करंट बीजी पेजेट द वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां पे देखिए हमें करंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए होल का स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस है 2 ए का क्यूब और बी का क्यूब। आप अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी आप पढ़ रखे हो अगर ध्यान दो ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते तो बेटा क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2। और इसी तरह आप लिखते हैं ए माइनस बी के होल का स्क्वायर, तो आप क्या लिखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2b, ये लिखते हैं। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये जो फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट इस आइडेंटिटी पे, ये वाला फॉर्मेट किस पे इस आइडेंटिटी, अगर इसे सॉल्व करके स्क्वायर करें तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे ए की पावर 3 बी का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से क्या है 2 ए की पावर 3 और बी स्क्वायर, सॉरी ये मैं क्लियर कर क्या ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का और ये प्लस का ये दोनों आपस में क्या है कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर? आगे चलिए। अब कारक बीजगणित अव्यक्त का मान 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3n का होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी के होल का स्क्वायर तो आप क्या लिखोगे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और मैं कहूँ a माइनस बी के होल का स्क्वायर, मैं कहूँ
आर क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए। अब बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी के स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल के स्क्वायर को ऐड करें, आप अगर ऐड करोगे तो ऐड इसे भी करना, ये दोनों आपस में क्या है कैंसिल होने, तो यहां से आपको क्या बनेगा टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करना हो, इसे क्या करना सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आप लिखेंगे ए माइनस बी के होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ये प्लस होल स्क्वायर, इसे आप क्या लिखेंगे, तो आप देखें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे साइन क्या है, चलो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों कट जाएंगे, यहां आपको मिलेगा क्या 4ab, क्या मिलेगा 4ab। आप देखिए इसी आइडेंटिटी का यहां यूज हुआ, इसी आइडेंटिटी के देखिए यहां पे a plus b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, यहां पे भी देखिए a plus b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट क्या करेंगे 4ab, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे लिखना 4ab। अब 4 ए की वैल्यू यहां क्या है 4m है, आप देखिए 4mn, बी की वैल्यू कितना 3n, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 4 क्योंकि 16 किया 48 mn का स्क्वायर, 48 mn का स्क्वायर, आंसर कौन सा, आंसर कौन सा, बात क्लियर। आगे अब कह रहा है कि तीन तत्वों ए बी और सी के मिश्रण में ए बी सी का अनुपात क्रमशः 5:6:9 फिर दिए गए मिश्रण में तत्व बी का प्रतिशत। अब मेरे पास यहां पर कह रहा है ए बी और सी तीन है एलिमेंट, अब कह रहा है यहां पे ये 5 है और ये 6 है और ये 9, हमसे पूछ रहा है पूरे मिश्रण में बी का प्रतिशत है, अगर मैं पूरे मिश्रण की बात करूं अगर मैं तीनों को सम करूं तो 5 प्लस 6 प्लस 9 तो आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20। अब कह रहा है 20 में क्या, अब b की अगर मैं देखूं तो b कितना 6, तो आप कुछ मत लें 6 अपॉन 20 इनटू 100 परसेंट। अब यहां से 2 से 20 से कैंसिल करेंगे मैं 5 बार में और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30% मतलब 30%। B की जो हमारी इसमें कह रहा है B का जो प्रतिशत है कितना 30%, B का प्रतिशत कितना 30%। आगे चलते करा अनिल भावना और चारु ने कुल 900 रुपए के टिकटों को क्रमशः 5:6:5:4 के अनुपात में आपस में बांट दिया, फिर अनिल और भावना के टिकटों की संख्या का अंतर कितना। अब जब कभी आपको रेशियो दे रखा और वैल्यू आपसे पूछे तो आप रेशियो के साथ वेरिएबल लगाएंगे, क्या लगाएंगे वेरिएबल। अब यहां पे अगर मैं अनिल की बात करूं तो अनिल को कितना 6 है और किसकी बात कर रहा है भावना की बात कर रहा है तो भावना के पास कितना 5 है और कह रहा है चारू की बात कर रहा है तो चारों के पास कितना। अब अगर इनका सम करें तो इनका कितना हो 50, इन तीनों का सम करें तो 50, इसी की वैल्यू आपको कितना 90। अब अगर यहां से कैंसिल करें तो ये 15:6:90 x की वैल्यू कितनी है 60। अब अगर अनिल की वैल्यू पूछे तो 60 आप 6 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 300, कितना होगा नहीं 360। अब अगर भावना की पूछे तो 5:60 कर यहां से कितना 300, आपसे किसकी पूछे चारों की पूछे तो आप 4:60 करेंगे यहां 200 हो गए। अब हमसे पूछा अनिल और भावना के टिकटों की संख्या में अंतर कितना, तो देखो
अनिल कितना है 360, भावना की कितनी है 300, दोनों में डिफरेंस कितने का 60 का, आंसर पॉसिबल बी, आंसर पॉसिबल बी। अगर ये सब बातें थोड़ी सी क्लियर हो, आप देखेंगे इतना नहीं हमें कुछ करना। अब हमें पता है कि टोटल टिकट रेशियो कितना है 6, 5 और 4, इसको अगर सम करें तो कितना मिलेगा इनका सम, तो आप कहेंगे 15, कितना 15। अब ये 15 कितने टिकट की वैल्यू दे रहा है 900। अगर इनके रेशियो में कितने का डिफरेंस हुआ ना, हमें 1 की वैल्यू चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 15, 6, 90, 60 में 1 का मल्टीप्लाई करें कितना है 60। मतलब कि जो अनिल का और भावना में के टिकट का जो डिफरेंस है वो कितने का 60। बातें क्लियर, आगे चलिए अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 2x² - 5x + 4 इन ब्रैकेट दूसरे में x² + 7 - 8 के गुणनफल में x² का गुणांक पूछा। किसका गुणांक पूछा? x². अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये 2x² - 5x + 4 ये दूसरे ब्रैकेट में x² + 7x - 8। अगर इनका मल्टीप्लाई करें, देखिए 2x में x² का मल्टीप्लाई करते 4x, इनका मल्टीप्लाई तो 2x² - 5x² में 5x² का मल्टीप्लाई करें तो 5x³ + 4x। अब 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, 7 में 2 का करेंगे तो 14x³ - 7 × 35x² + 7 × 28 हो गई। अब 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो -16x² - (+) हो जाएगा 8×6 = 40x - 30। अब हमसे किसका पूछा है x² का, आप देखिए x² का। अब अगर मैं x² की बात करूँ, x² देखो ये 4x² - 35x² - 16x², ये। अब अगर x सात करें तो 35 में 16 को जोड़ेंगे कितना होगा 51, 51 में से 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -47x². अब आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ तो माइनस और यहाँ माइनस है आपस में जुड़ के हो, बेटा जब साइन सेम होती है तो नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं विथ साइन के साथ, और अगर साइन अपोजिट है तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो नंबर बड़ा होता है उसी की हम साइन लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये भी साइन सेम है ये भी साइन, तो नंबर आपस में ऐड हो गए तो इनको और इनको ऐड किया तो माइनस का 51 आएगा। अब 51 में से ये देखो साइन अपोजिट 4 माइनस करोगे 51 तो 47 आ गया x², अब देखो 51 बड़ा था तो उसी का हमने साइन लगा दिया। बातें क्लियर आप सब को? आगे चलते कर दो पूरक कोणों के मापों के बीच का अंतर 12, यदि छोटा कोण x है तो 2x - 5 का मान। अब अगर पूरक कोण की बात करेगा बेटा तो यही है ना, अगर ऐसे दो एंगल ऐसे दो कोण जिनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, उनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मान लो छोटा हमें कह रहा है कि x दे रहा है तो बड़ा वाला कितना होगा 90 माइनस x। अब कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस हमें 12 दे रखा है, तो अगर हम बड़े वाले में छोटे को माइनस करें तो आप क्या लिखेंगे 90 माइनस x - x = 12। अब ये हो जाएगा 90 माइनस 2x = 12। अब हमें 2x चाहिए ना, 12 को इधर ला 90 माइनस 12 = 2। अब यहाँ से
माइनस करेंगे तो कितना आएगा 78। 2x की वैल्यू कितनी है 70। हमसे क्या पूछा, 2x माइनस 5 पूछा। अब बेटा अगर 2x माइनस 5 पूछा तो आप 2x में से 5 कर दो माइनस, तो यहाँ से 78 में से भी क्या करोगे 5 माइनस करो। अब यहाँ से माइनस करोगे यहाँ 73, तो आप 2x माइनस 5 की वैल्यू कितनी आएगी 73। आप समझ रहे बातें क्लियर है। अगे अगला क्वेश्चन, करा तूफानी हवाओं के कारण एक ऊंचा पेड़ इस तरह टूटा कि जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया। इसके परिणाम स्वरूप पेड़ की टूटी हुई चोटी पेड़ के आधार से 5 मीटर दूरी पर जमीन को छूने लगी, तब पेड़ की मूल ऊंचाई थी। अब मेरी बात सुनिए, कुछ एक पेड़ था ऐसे था, ये उसका टूटा हुआ पार्ट है। ये इसका टूटा हुआ पार्ट है, ये वाला, ठीक। अब ये टूटा, अब यहीं से ये टूट के जमीन पे आके गिर गया। ये वाला टूट के पार्ट कहाँ मिला, जमीन पे। अब जमीन पे आके मिला तो कह रहा है कि ये जब इसके बेस से 5 मीटर की दूरी पे, ये 5 मीटर है ये, और ये कह रहा 12 मीटर ऊंचाई से टूटा है। अगर यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा है और वह जमीन यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि मान लो ए है, ए है, ये बी है और ये सी, अगर ए बी 12 सेंटीमीटर बी सी 5 सेंटीमीटर तो ए सी क्या होगा। आपको अगर 90 डिग्री ये एंगल बना, अगर आपको हाई आपको पाइथागोरस पता हो तो आप ये कहेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 और बी सी कितना 5 का 25। अब इनको ऐड करें 169 कितना है 169। अब अगर ए सी की वैल्यू चाहिए हमें तो इसको अंडर रूट में कर देंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 13, मतलब इसकी लंबाई कितनी 13, ठीक। अब इसकी लंबाई कितनी है 13। अगर ये 13 है बेटा तो ये बता दो कि यही एरिया तो टूट के दिया हुआ है यहाँ। तो अगर मैं इसको सीधा करूँ तो ये कितना 13 है। अब पूछ रहा है कि पेड़ की मूल ऊंचाई कितनी, तो 12 ये और 13 ये दोनों में के कितना 25। आसन तो कोई नहीं, किसी को 25 बना दो, मतलब पेड़ कितना लंबा था 25 मीटर। बातें क्लियर है। आगे कर एक नियमित बहुभुज के लिए संभव न्यूनतम आंतरिक कोण। अब अगर इंग्लिश में कहें इसे रेगुलर बोलते हैं। बेटा पॉलीगन की अगर मैं बात करूं तो एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक इरेगुलर पॉलीगन होता है। अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके एंगल और जितने एंगल हैं वो भी सेम होने चाहिए और उनकी जितनी साइड है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी। अब रेगुलर पॉलीगन की मैं बात करूँ तो आप देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर ये सब क्या है रेगुलर पॉलीगन, ये क्या है रेगुलर। अब देखो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, इनके एंगल भी क्या होते आपस में इक्वल होते, इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी साइड क्या होती इक्वल होती और करें इनके एंगल भी आपस में क्या होते इक्वल। हमसे न्यूनतम पूछा तो सबसे न्यूनतम पॉलीगन हमारा क्या बनता है, ट्रायंगल ही बनता है। अगर ट्रायंगल में बनेगा इक्विलेटरल, अगर ये इक्विलेटरल ये तीनों साइड सेम है बेटा तो इसका जो ये एंगल होगा ये भी आपस में क्या होगा सेम होंगे। अगर आपस में सेम होंगे तो आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री कितनी होगी 60। तो इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 60, इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। बातें क्लियर आगे चलते करा ये चार तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
कर हमारे पास आठ फलकों, छह शीर्षों और बारह किनारों वाला एक बहुफलक हो सकता है। हमारे पास पांच फलकों, छह शीर्षों और नौ किनारों वाला एक बहुफलक हो सकता है। हमारे पास बीस फलकों, बारह शीर्षों और तीस किनारों वाला एक बहुफलक हो सकता है। हमारे पास दस फलकों, पंद्रह शीर्षों और बारह किनारों वाला एक बहुफलक हो सकता है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कोई एक फिगर ले लूं और उससे मैं आपसे पूछूं कि इसमें फेस कितनी, वर्टेक्स कितनी, एज कितनी, तो आप क्या बताएं? अगर मैं आपके सामने कोई एक मैं क्यूब ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? क्यूब। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें फेस कितनी है, कितनी है फेस, तो आप कहें कि इसमें फेस जो होती है सिक्स होती है। मैं पूछूं वर्टेक्स कितनी होगी इसमें, तो आप कहें कि वर्टेक्स इसमें एट होती है। और मैं आपसे पूछूं एज कितनी होगी, तो आप कहोगे कि इसमें एज जो है करोगे बारह होगी। अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट ये चलता है कि फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस टू। अब देखो छह में आठ को ऐड करोगे कितना हो, चौदह, और यहाँ बारह में दो को ऐड करोगे तो भी क्या होगा, चौदह। इसमें 12 को भी ऐड करोगे क्या होगा, चलो बातें क्लियर। तो आप जो भी, अगर आपके पास बहुफलक होगा उसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर चलेगा कि अगर उसकी फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस टू होना चाहिए। अब आप चेक कर लो, अगर जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वह आपका सही होगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है वह आपका क्या होगा, गलत होगा। अब देखो पहले में क्या करा, आठ फलक और बारह सिर्फ बारह के, छह सिर्फ बारह के। अब देखो आठ यहाँ पे, छह यहाँ, बारह को आठ से चौदह, बारह से चौदह, ये भी बात सही है। अब दूसरी क्या है, दूसरा क्या कह रहा है कि हमारे पास पांच फलक नौ सिर, और ये पांच हैं फलक है नौ सिर है, और कितना नौ सिर पांच फलक सॉरी छह से, ये छह से है इक्वल टू नौ प्लस टू, यहाँ पे कुछ छह पांच ग्यारह नौ दो ग्यारह, ये भी बात फुलफिल हो रही कंडीशन। आगे चलो अब देखिए तीसरा क्या कर, बीस फलक बारह से, अब यहाँ पे देखो ये बीस फलक बारह से और तीस किनारे। अब देखो बारह में बीस जोड़ोगे बत्तीस, वहां भी बत्तीस हो जाए, चौथे पे आते हैं। अब चौथा क्या, यहाँ पे दस फलक पंद्रह शीर्ष और यहाँ पे बीस प्लस वन, इसको जोड़ोगे पच्चीस होगा, इसे ऐड करोगे बाईस, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। मतलब कौन सी बात करो आपसा, ये हमारे क्या बातें क्लियर है, हमसे गलत पूछा। आगे चलो, निम्नलिखित में से किसमें सममित की एक से अधिक रेखा, सिमेट्रिक। बेटा सिमेट्रिक मैं बात करूं, सिमेट्रिक क्या कहती कि अगर किसी फिगर को आप उसके सेंटर से डिवाइड करते हो तो आपको इक्वल मिलना चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। तो आपसे जैसे मैं कहूँ, आप मान लो अगर ये सर्किल है, अगर इसके सेंटर से आप डिवाइड, अगर इसे फोल्ड करो, ये इसको ढक लेंगे, यही कहलाती सिमेट्री। अब मेरी बात समझ, करण निम्नलिखित में से किसमें सममित की एक से अधिक रेखाएं, अब मेरी बात समझ, आपका रोम्बस की बात कर रहा है। अगर बेटा मैं रोम्बस की बात करूँ तो रोम्बस कुछ ऐसे बनेगा। अब इसमें देखो एक रेखा यहां से खींच जा सकती है, एक रेखा यहां से। अब चाहे इसको ऐसे फोल्ड करो, आप चाहे इसको ऐसे फोल्ड करो इधर से तो भी इसको ढक लेंगे, अब चाहे अगर आप ऐसे फोल्ड करो तो भी इसको ढक लेंगे। तो रोम्बस में कितनी रेखाएं हो सकती है, तो आप कहोगे दो। अब एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट है, अगर लाइन सेगमेंट है, अगर इसको इक्वल डिवाइड करें, ये इसको ढक लेंगे, इसमें आप एक ही रेखा खींच सकते हैं।
आप कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज में। अगर आप पैरेललोग्राम की बात करो तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे होता, अगर मैं बेटा इसके सेंटर से अगर डिवाइड करूंगा, इसे फोल्ड करूंगा, तो ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे आके यहाँ पे ढकेगा और ये चीजें यहाँ पे आएंगी, ये इसको पूरा नहीं ढक पाएगा। अगर आप चाहो यहाँ से ट्रांजिशन करो तो इसे भी अगर फोल्ड करोगे तो ये चीजें बाहर निकलेगी, कुछ यहाँ पे ढकेगी और ये वाली चीजें यहाँ पे ढकेगी, मगर एग्जैक्ट ढक नहीं सकता। तो यहाँ पे तो कोई सिमेट्री नहीं होती। और एंगल की बात करें तो मान लो कोई एंगल ऐसे है, अब यहाँ पे मान लो एंगल ये है, अगर इसे बाइसेक्ट करो तो ये इसको ढक लेगा पूरा पूरा, ये इसको क्या करेगा पूरा पूरा ढक, तो यहाँ पे भी कितनी होगी। आप एक एंगल की बात करो तो एक एंगल में एक ही सिमेट्री हो सकती है, लेकिन आपसे पूछा है कि एक से अधिक सिमेट्री, तो एक से अधिक सिमेट्री में क्या है रोम्बस। इसी तरह मैं अगर आपसे रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल में भी एक से ज्यादा सिमेट्री होती है। देखना आप ऐसे करो तो ये ऊपर का हिस्सा ऐसे ढकेगा और यहाँ से कैंसिल करो ऐसे तो ये वाला हिस्सा ऐसे ढकेगा, मतलब रेक्टेंगल में भी कितनी दो लाइन हो सकती है। अब इसी तरह मैं अगर स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर में बेटा ध्यान समझना, ये देखो एक लाइन ऐसे एक लाइन, दो तो ऐसे बनेंगी, ये देखो तीसरी बनेगी और ये चौथी बनेगी। तो अगर एक से अधिक रेखा की बात करें तो देखो रोम्बस में भी दो होती है और यहाँ पर रेक्टेंगल में भी दो होती है और स्क्वायर में हमारी चार रेखा, बातें क्लियर। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसके सेंटर से कोई लाइन ड्रा करते हो या दो इक्वल पॉइंट, तो एक दूसरे को क्या होना ढक लेनी चाहिए, क्या होनी ढक लेनी चाहिए। तो आप उसको कहता है कि अब पूछता है कि मतलब कौन सी ऐसी जिसमें एक ही लाइन बन सकती, तो आप देखिए लाइन सेगमेंट में केवल एक ही। अब ट्रायंगल की बात करें, एंगल की बात करें तो भी उसमें एक ही, लेकिन आप देखो अगर स्क्वायर की बात करो, स्क्वायर आप देखो यहाँ से करोगे तो ये हिस्सा इसे फोल्ड कर ले, इसे कैंसिल करोगे तो ये वाला हिस्सा इसे फोल्ड कर ले, ऐसे कैंसिल करोगे तो ऊपर का हिस्सा इसे फोल्ड कर, ऐसे कैंसिल करोगे तो ये वाला हिस्सा इसे फोल्ड करोगे, ये भी ढक लेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप चार लाइनें खींच सकते हैं, चार तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं और हमेशा ढकेगा। अब इसी तरह रेक्टेंगल की बात करो, रेक्टेंगल में आप ऐसे कैंसिल करोगे ये इसे ढक ले, इसे कैंसिल करोगे ऐसे कैंसिल करोगे ये इसे ढक लेगा। तो मतलब इसमें आप दो तरीके से बांट सकते हो। और अगर रोम्बस में बात करें तो रोम्बस को भी आप कितने आप चाहो ऐसे करोगे ऊपर वाला पोर्शन इसे ढक लेगा, अगर ऐसे कैंसिल करोगे ये वाला पोर्शन इसे ढक लेगा। इसमें दो लाइनें खींच सकते हो, इसमें चार लाइनें खींच सकते हो। इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसमें सममित की एक से अधिक रेखाएं हैं, आपका आसन कौन सा एक रोम्बस, बातें क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 7.5 सेमी और 12 सेमी लंबाई वाले विकर्ण वाले एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर रोम्बस की एरिया की बात करें तो रोम्बस का एरिया होता है बेटा 1/2 आपको कितना दे रखा है, D1 आपको कितना दे रखा है, तो आप D1 देखिए 7.5, D2 कितना देता है 12, उसे कैंसिल बेटा होगा 6 बार 6 5 30, 6 7 42, 45, ऑप्शन कौन सा। आगे चलते, अब कर एक चित्र को 8 सेमी लंबे और 5 सेमी चौड़े कार्डबोर्ड को इस प्रकार चित्रित किया जाता है कि उसके प्रत्येक किनारे 1.5 सेमी के अंतर है, तो फिर मार्जिन का कुल क्षेत्र। अब देखिए कह रहा है एक हमारे पास बोर्ड है कुछ ऐसे, अब वो कह रहा है कि यह 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। अब इसको अगर वो पेंटिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर हर तरफ मार्जिन हो जाएगा। तो अगर 1.5 मार्जिन हो रही है बेटा, तो आप बताओ कि ये वाली मार्जिन यहाँ पे है और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। तो मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे बताओ, आप यहाँ देखो ये पूरा 8 है, 1.5 इधर से माइनस करो 1.5 मतलब 3 मान, ये कितना बचे 5 बचे, और 1.3 से इधर माइनस होगा, 1.3 से इधर और 3 माइनस होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बच जाएगा।
कह रहा है कि मार्जिन का कुल क्षेत्र, पहले हमें टोटल एरिया निकालना, टोटल एरिया निकालना तो 5 × 8 माइनस, अब जो हमारा पेंटिंग हुआ उसकी एरिया निकाल तो हम 5 × 10, तो अब देखो यहाँ कितना होगा 40 माइनस यहाँ पे 5 × 2 = 10, 5 × 10 तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 10, 40 × 10 माइनस तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी एरिया है मार्जिन वह क्या 30 सेंटीमीटर, मार्जिन के एरिया क्या 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, कारण एक सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर रोलर को एक बार चलाने में 750 पूर्ण चक्कर लगते हैं, रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो इसकी और इसकी लंबाई 1 मीटर, फिर सड़क के क्षेत्र जिसे समतल किया जा रहा है, मेरी बात समझ। अगर बेटा कोई रोलर ऐसे ही चल रहा हो, अब ये मान लो रोलर का है, ऐसे कुछ रोलर होगा, अब ऐसे चल रहा तो आप देखिए रोलर क्या एक बेलन की सिम है, किसे सिलेंडर के सिम में या बेलन के सिम में, तो हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, कर्व सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी, क्या क्या निकालनी पड़ेगी, कर्व सरफेस एरिया, वह तो पृष्ठीय क्षेत्र पर, तो कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो उसका फार्मूला क्या था, आप लिखेंगे 2πRh, तो आपको 2π/22/7 आर कितना दे रखा, उसका डायमीटर व्यास 84 सेंटीमीटर, आर कितना होगा डायमीटर का हाफ 42 और उसकी लंबाई ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगी ये 1, लेकिन आपको जो ये लेंथ दे सेंटीमीटर में, आपसे रिजल्ट जो पूछा मीटर को, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना, तो ये तो बात आ गई कि एक चक्कर अगर चलेगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन वो चला कितना 750 चक्कर, तो आप इसमें 750 से मल्टीप्लाई करते हो गया, आप इसे क्या करेंगे 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरी बात समझिए, अब देखिए यहां से 25 से ऊपर 100 और 25 से यहां 75 ये 30 बार है, अब यहां पे देखिए 2 से 1 कैंसिल होगा 2 बार में 4 और ये 2 से कैंसिल होगा 11 बार में, अब यहां 7 से कटेगा ये 6 बार में हो गया, तो अब यहां देखिए 11 × 6 = 66 × 30 0 × 36 = 18 = 19 मीटर स्क्वायर, तो मतलब जो भी एरिया होगा कितना होगा 1980 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी, बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवीकृत डेटा के लिए गलत कथन, विच आर द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर एन अनग्रुप डाटा, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसमें मोड मीन और मीडियन की बात है, अब मेरे पास करा मोड हमेशा डेटा के अवलोकन में से एक होता है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा, अगर आप मोड की बात करेंगे तो आप कोई भी डाटा देखते हैं तो उसमें ये होता है ना कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मोड होता है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे ज्यादा होता है वही मोड होता है, ये तो बात सही है, ऑब्जर्वेशन इन डाटा, अगर बेटा जब मीन की बात करते हो तो मीन क्या आप एवरेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हो एवरेज की बात करते, तो आप जितने भी नंबर होते हैं पहले उनका सम करते हो और फिर नंबर आप टर्म से क्या करते हो डिवाइड करते हो, तो जो आपका एवरेज आता है वही आपका क्या होता है मीन होता है, बट उसमें एक डाटा आप ऑब्जर्व नहीं करते हो ना, आप ये करते हो क्या पहले डाटा का सम कर दो, फिर नंबर ऑफ सम नंबर ऑफ टर्म जितने डाटा उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हो, ये बात तो गलत है, कर मीडियन में भी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डाटा मीडियन हो सकता है, मीडियन क्या हो सकता है कैसे, अगर मीडियन निकालते समय क्या n बाई टू या n प्लस वाई 1/2 यही फार्मूला लगाते हैं, तो उस हिसाब से एक ही डाटा होता है, ये बात तो सही, और कह रहा फॉर द गिवन डाटा देयर आर मे बी मोर देन वन, अगर किसी भी ऐसे नंबर में जिसमें अगर कोई नंबर की फ्रीक्वेंसी किसी दो नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम हो
उस समय मोड़ क्या, दोनों नंबर होते हैं, उस समय मोड़ क्या होता है, दोनों नंबर। ये बात आपकी सही, ये बात आपकी क्या सही। तो पूछा लेकिन मैं कौन कौन सा अवकृत डेटा के लिए गलत कथन है, तो ऑप्शन कौन सा बी, ये आपका क्या गलत बात है। आगे चलिए, कर अंक 7, 8, 9 ऐसे 51 पर्चियां पर लिखे, एक पर्ची पर एक नंबर और एक बॉक्स में डाल दिया, फिर एक डिब्बे में एक पर्ची निकाली जाती है, एक डिब्बे से एक पर्ची निकाली जाती है बिना इस पर गौर किए कि सेवन के गुणक वाली एक पर्ची मिलने की प्रायिकता क्या होगी, मिलने की प्रायिकता कितनी होगी। सेवन के गुणज की बात किया, किसकी बात किया है, सेवन के गुणज की बात किया। मेरी बात समझ ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं नंबर हमारा कहां से स्टार्ट, 7 से 51 बेटा 7 से 51 तक की बात करें, इससे पहले अगर देखा जाए टोटल नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे कि टोटल नंबर हमारे पास 7 से 51 तक हैं, तो अगर मैं इनकी संख्या पूछूं तो आप कहोगे कि आप कुछ मत पे 51 नंबर 1 से 51 तक ले लीजिए और उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, 51 में से 6 माइनस कर मतलब टोटल नंबर कितने होंगे, 45 होंगे। हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे, 45 होंगे। अब 7 के गुणज आने की संभावना कितनी है, बेटा देखो पहले 7 पे गुणज होगा 7 का, फिर 14, फिर 21, फिर 28, 35 और 42, फिर 49, यही यहाँ नंबर आएंगे, यही 7 के गुणज कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मतलब इसी प्रायिकता क्या है, 7/45। आंसर कौन सा, आंसर कौन सा, बातें क्लियर है। आगे चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि 6.234234234 इज एन एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इरेशनल नंबर। अब मेरी बात समझ, देखो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो बेसिक रूप से डेसिमल दो ही होते हैं, अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो डेसिमल की मैं बात करूँ तो बेटा दो ही होते, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके दो पार्ट होते हैं, अब इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, जैसे मैं कहूं 3.151515515 इनफाइनाइट तक जाते हैं, अब जैसे मैं कहूं 2.123123123 ये भी इनफाइनाइट। अब देखना डेसिमल के बाद एक निश्चित पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 151515 बार बार क्या है रिपीट कर रहे हैं, यहाँ देखिए 123123123 ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर डेसिमल के बाद कोई एक निश्चित पैटर्न रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। लेकिन अगर डेसिमल के बाद जैसे मैं तो 7.14567893473 कुछ ऐसे चले, मतलब जो कोई उसका पैटर्न ना हो तो रिपीट करे, जैसे अगर मैं 1.01001001 ऐसे बढ़ता चले, ये भी तो कोई एक निश्चित पैटर्न पर रिपीट नहीं कर, तो ऐसे डेसिमल को हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो अब इस पे अगर ध्यान से देखें तो ये 6.234234234 एक पैटर्न क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये कौन सा डेसिमल होगा, तो आप कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट एक निश्चित पैटर्न को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, एक निश्चित पैटर्न को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है,
तो ऑप्शन कौन सा? ये वाला। बातें क्लियर है? कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।